भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे। किसको मिला है ये अधिकार, उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धर धराए धरा जो धनुष लेके आता है तू। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ लोग आदि पुरुष फिल्म की जमकर बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी की इस फिल्म से उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ आदि पुरुष फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करती जा रही है। जी हां दोस्तों, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या फिर कन्नड़ा हो, यहाँ पर आदि पुरुष फिल्म ने सभी भाषाओं में दुनिया भर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली और 2023 में जितनी भी बॉलीवुड और साउथ की फिल्में रिलीज हुई थी उन सभी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि पुरुष फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से सभी भाषाओं में टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आदि पुरुष फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या सुपर फ्लॉप। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी फिल्म को खराब रिव्यूज मिल जाते हैं तो वो फिल्म फिर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, वही अगर किसी फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिल जाए तो वो फिल्म ऑडियंस को पसंद आती और धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर लेती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आदि पुरुष फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी बुरा भला कहा और फिल्म को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिविटी हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑडियंस का प्यार है यानी कि पब्लिक का प्यार, वो आदि पुरुष फिल्म को भर भर के मिल रहा है, जिसके चलते ही आदि पुरुष फिल्म पहले दिन भी हाउसफुल रही, दूसरे दिन भी हाउसफुल रही और तीसरे दिन तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फिर से एक बड़ा धमाका कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ओम रोथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदि पुरुष, जिस फिल्म में पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ कृति सेनन, सैफ अली खान और सनी सिंह देखने को मिल रहे हैं, फिल्म का बजट है लगभग 550 करोड़ रुपए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिल्म का जितना बजट है उससे कहीं ज्यादा कमाई तो यह फिल्म अपने पहले हफ्ते में कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर आदि पुरुष फिल्म ने सबसे बेहतरीन कमाई हिंदी मार्केट में की है, साथ ही साथ साउथ लैंग्वेजेस में भी फिल्म के कलेक्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें आदि पुरुष फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन की, उसके बाद जानेंगे फिल्म के साउथ लैंग्वेज कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कमाई। तो दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी से नेट कलेक्शन 37 करोड़ 50 लाख रुपए का किया था और यह फिल्म 2023 की हिंदी मार्केट में दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी थी। अब पहले दिन तो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले तो सबको लगा था कि फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक बड़ा ड्रॉप आएगा, लेकिन यहां पर आदि पुरुष फिल्म ने दूसरे दिन भी एक बड़ा धमाका किया और फिल्म का दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 35 करोड़ रुपए रहा। पर दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात क्या है कि यह फिल्म तीसरे दिन हिंदी मार्केट में पहले दिन से भी ज्यादा कमाई कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर तीसरे दिन आदि पुरुष फिल्म हिंदी मार्केट में मॉर्निंग वाले शोज में ही पूरी तरह से हाउसफुल है, साथ ही साथ फिल्म की आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग है वो लगभग 60% की हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से अविश्वसनीय है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक आदि पुरुष फिल्म अपने तीसरे दिन सिर्फ हिंदी से नेट कलेक्शन लगभग 40 करोड़ का कर रही है और इसी के साथ आदि पुरुष फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 112 करोड़ 50 लाख रुपए का हो रहा है। जी हां दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म सिर्फ 3 दिनों में ही हिंदी नेट कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा का कर चुकी है। वही 3 दिनों में इस फिल्म का जो हिंदी ग्रोस कलेक्शन है इंडिया से वो हुआ है 134 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म ने हिंदी मार्केट में तो ताबड़तोड़ कमाई की है, लेकिन बात करें फिल्म के सभी भाषाओं के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म ने बाकी भाषाओं में भी पूरी तरह से झंडे गाड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आदि पुरुष फिल्म ने अपने पहले दिन सभी भाषाओं से ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 92 करोड़ 50 लाख रुपए का किया था, जो कि 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग थी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन फिल्म हिंदी में तो अच्छी कमाई कर चुकी थी, लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में इस फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन
एक अच्छा खासा ड्रॉप आया और फिल्म ने सेकंड डे इंडिया से नेट कलेक्शन सभी भाषाओं में 68 करोड़ यानी कि 68 करोड़ का किया। वही अब अगर बात करें सभी भाषाओं के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ साउथ लैंग्वेजेस में भी तीसरे दिन एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है दूसरे दिन के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों तीसरे दिन है संडे यानी कि छुट्टी का दिन, जिसकी वजह से फैमिली ऑडियंस का सपोर्ट इस फिल्म को मिल रहा है और यह फिल्म बाकी साउथ लैंग्वेजेस में भी तीसरे दिन जो ऑक्यूपेंसी ली है मॉर्निंग वाले शोज में वो दूसरे दिन से 15% बेहतर है। साथ ही साथ इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग साउथ लैंग्वेजेस में भी काफी सॉलिड हो चुकी है। तो यहां पर आदि पुरुष फिल्म अपने तीसरे दिन सभी भाषाओं से ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 75 करोड़ का कर रही है। तो अब अगर जोड़े कि आदि पुरुष फिल्म का पांचों भाषाओं में 3 दिनों के अंदर टोटल कितना कलेक्शन होता है तो दोस्तों आदि पुरुष फिल्म का 3 दिनों में सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 235 करोड़ 50 लाख रुपए का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म ने सिर्फ इंडिया से नेट कलेक्शन 235 करोड़ 50 लाख रुपए का किया है। वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 280 करोड़ रुपए का। अब अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में तो दोस्तों आदि पुरुष फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से टोटल कमाई लगभग 55 करोड़ की है। और इसी के साथ दोस्तों आदि पुरुष फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में एस्टीमेट कलेक्शन होता है सभी भाषाओं से दुनिया भर के अंदर वो हो रहा है 335 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म सिर्फ 3 दिनों में दुनिया भर से 335 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्म का बजट है 550 करोड़ रुपए और फिल्म ने 3 दिनों में ही 335 करोड़ की कमाई की है। यानी कि दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिल्म अपना बजट पूरी तरह से निकाल लेगी। हालांकि दोस्तों फिल्म के डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट ऑलरेडी काफी अच्छी कमाई कर चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो सकती है। बाकी अगर आपने आदि पुरुष फिल्म देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आदि पुरुष फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।